सुल्तानपुर जिले में दिनदहाड़े एक सर्राफा व्यवसायी के यहां हुई लूट की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी सुल्तानपुर सोमेन वर्मा ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार त्रिपाठी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने लगभग 20 लाख रुपए का सोना और 3 लाख रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लुटेरे बाइक पर सवार थे और उन्होंने दुकान में घुसकर हथियारों से लैस होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 टीमें गठित की हैं जो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे और लूटा हुआ माल भी बरामद कर लेंगे। इस घटना के बाद सुल्तानपुर के सर्राफा व्यवसायी काफी डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही से उन्हें काफी मदद मिल रही है। व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए वेद प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आकर के देखा है, उससे बात की है, यहाँ पर जो लोग आए हैं उस पर सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं सर? बताया ना, कुछ इम्पोर्टेंट सुराग मिले जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी वर्कआउट करें। थैंक यू।